हेलो दोस्तों, पंडित शंकर लाल आचार्य यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। दोस्तों, आज ये चैनल आपके सामने वीडियो लेकर आया है। उसका विषय है, उसका टॉपिक है मोबाइल की फ़ोटो से वशीकरण। क्या दोस्तों, आप भी किसी ऐसी समस्या से बहुत परेशान हो चुके हैं या फिर ऐसे इंसान से परेशान हो चुके हैं जो आपकी ज़िंदगी में बार बार बाधा उत्पन्न कर रहा है और आपको अपने जीवन में सुख शांति से नहीं जीने दे रहा? तो आज की ये वीडियो आपके उस दुश्मन से, आपको उस इंसान से छुटकारा दिलाने वाली है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी का ग्रहण बन चुका है। दोस्तों, मात्र एक मोबाइल की फ़ोटो से आप उन इंसान को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं, अपने कहे हुए अनुसार चला सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप सिर्फ एक मोबाइल की फ़ोटो से उस इंसान को उसकी औकात याद दिला दें, उस इंसान को अपनी मुट्ठी में कर लें जो हमें परेशान कर रहा है? अगर आप ऐसा सच में चाहते हैं और करना चाहते हैं मोबाइल की फ़ोटो से किसी को वशीकरण, तो दोस्तों हमारे साथ आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और जानेंगे उपाय टोटके, तभी आपको आपकी समस्या का हल मिल पाएगा। बीच रास्ते में दोस्तों कभी कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप सोच रहे होंगे कि बीच में हमें कुछ समस्याओं का समाधान मिल जाए, तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं परमानेंटली सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए हम चलते हैं अपने उपाय टोटकों की ओर। आपको क्या करना है, जो भी इंसान आपको लग रहा है कि मेरा दुश्मन है, मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ा है, मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसे बाधाएं उत्पन्न कर रहा है जिसकी वजह से आप आज तक भी पीछे हो ज़िंदगी के सफ़र में, आपको क्या करना है, सिर्फ़ उस इंसान की चुपके से अपने फ़ोन में एक फ़ोटो ले लेनी है, या फिर आपका पहले से ही उसके फ़ोन में फ़ोटो हो या फिर उसकी आपके फ़ोन में फ़ोटो हो, क्या पता वो आपका कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो या फिर आपका फैमिली मेम्बर हो। तो दोस्तों, मात्र एक फ़ोटो लेनी है, वो भी अपने मोबाइल में। उसके बाद आपको क्या करना है, उस मोबाइल के फ़ोटो से उस फ़ोटो को निकलवा करके एक कागज़ पर आपने उसके सामने एक लाल रंग का वस्त्र रखना है, वो भी पूरा 1 मीटर। अब उसमें 1.25 मुट्ठी चावल, 1.25 मुट्ठी गेहूँ और 1.25 मुट्ठी काले तिल रखने हैं। ऐसा करने के बाद आपने उस कपड़े को, उस पोटली को बांध देना है। बांधने के बाद आपने उस फोटो को भी उसी पोटली में रख देना है। ऐसा करने से आपने उस पोटली को लाल रंग के परांदे से बांधना है। बांधने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम वश्मे देवाय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों आपने उस पोटली को चलते हुए पानी में प्रवाह कर देना है। तो दोस्तों, जिस तरह से वो पोटली पानी में प्रवाह होकर आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका दुश्मन आपके रास्ते से बिछड़ता हुआ नज़र आने लगेगा। आपका दुश्मन आपका पीछा छोड़ के हमेशा के लिए अब रास्ते की ओर निकल पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने दुश्मन को हमारे इस वीडियो में बताए गए उपाय टोटके के कारण अपने आप से पीछा छुड़ाने में कामयाब होते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो से संतुष्टि होती है, तो हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपके दुश्मन भी आपकी राहों से बिछड़ जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।